और सिस्टर कैसी थी? ठीक माशाल्लाह, ठीक थे सब बच्चे? ठीक थे? दुआएं दे रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे बहन इंसान ही होते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को है अपनी आंखों से देखा है कि वो इतनी नफरत करते हैं कि कहते हैं जब भी शादी होती है तो कहते हैं नहीं, आपके माँ बाप की हम खाना नहीं बना सकते, उनके हम कपड़े नहीं धो सकते, ये नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और वालेकुम सलाम। रेसिपी थी कल दोपहर को बनाई थी, तो ये जो है थोड़ी सी रखी है, तो इसके साथ जो है नाश्ता करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरा व्लॉग जो है वो शुरू हो चुका है स्नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई जो मेरी माएँ बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए, उनकी तमाम परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर करें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और मैं जो है अभी नाश्ता बनाना शुरू स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो भी बहन भाइयों से शेयर करूँगी। ये रखी है मेरी चाय की तेजी और मैं इसमें पानी डालूंगी और पानी डाल के फिर जो है चूल्हे पर रख दूंगी। इसके बाद जो है आटा भी गूंदना है, आटा गूंदूंगी और नाश्ता बनाऊंगी। जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ और क्योंकि आज संडे है ना आतिफ? हाँ जी आज संडे है, तो आज बच्चे ने किसी को नहीं जाना है, इसलिए मैंने आतिफ पास उठ गया सुबह सुबह। बाकी जो बच्चे हैं वो अभी सो रहे हैं, उनको मैंने उठाया क्योंकि आज संडे है, छुट्टी भी स्कूल की, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो रेस्ट कर लें। तो अभी बनाते हैं चाय। गैस चेक कर लूँ, गैस आ जाए तो फिर जो है ना चाय बनाऊंगी। जब तक जो है ना इसमें चाय पत्ती थोड़ा सा नमक भी ऐड करती हूँ, क्योंकि नमक ना डालूँ तो सब कहते हैं कि चाय जो है ना अच्छी नहीं बनी। थोड़ा सा नमक भी डालती हूँ चाय में। आदत बनी हुई है शुरू से नमक डालते हैं ना चाय में, तो चाय में नमक ना डालें तो ऐसा लगता है जैसे चाय जो है अभी कच्ची रह गई है, सही तरीके की नहीं है जो है ना पक्की। थोड़ा सा नमक डालें तो फिर जो है ना वो सही बन जाती है। अभी मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। गैस की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है जो उधर वाला होता था किराए के मकान में। माशाल्लाह इधर जो है गैस की प्रॉब्लम नहीं है, माशाल्लाह गैस टाइम से आ जाता है, टाइम से चला जाता है, तीन तीन घंटे आता है, तो खाने पकाने की तो कोई भी टेंशन भी नहीं होती। और उधर जो ओला था उधर तो हम जो है ना सारा दिन खाने पीने के पीछे भाग भाग के ना थक जाते थे। कभी लकड़ियाँ ले आओ, कभी दूसरा गैस वो भरा के ले आओ, कभी ये करो कभी वो करो, इस तरह जो है ना एक टाइम का खाना जो है कभी लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाते थे, कभी गैस वाले चूल्हे पे दूसरे पे बनाते थे, कभी इधर बनाते थे ऐसे। तो माशाल्लाह इधर गैस की रूटीन जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो खाना बनाने की टेंशन नहीं होती, जल्दी से खाना बन जाता है। और आज जो है मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है मेरी आज जहाँ हम किराए पर बैठे थे उधर मेरी खाला थी, वो बहुत प्यार करती थी और वो जो है बहुत हो गई है लहवैन लहराज, उन्होंने पाक उनको जो है जन्नत मकल जन्नत और अल्लाह अता फरमाए। तो फिर नाश्ता बना के फिर उधर भी जाना है, क्योंकि वो खाला भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और उसकी जो बहू है वो भी मेरी अच्छी दोस्त है, तो उधर जो है जाऊँगी। और फिर जो है पहले मैं वीडियो ब्लॉग भी बना लूँ और नाश्ता भी बना लूँ, फिर उसके बाद जो है उधर जाना है। अभी अभी मैंने आटा बनाया, गया क्या हुआ गैस ना कम आ रहा है, एक मिनट इधर देख। हर बार सोच रहे होंगे कि किचन में इतना शोर होता है, जो किचन में शोर होता है क्योंकि मशीन जो है वो चलाते हैं और ये मशीन है
ये बहुत शोर करती है, इसलिए जो है ना किचन में कोई भी काम कर रहे हो तो वीडियो बनाओ तो वीडियो भी नहीं सही बनती शोर की वजह से। पता नहीं मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो अगर मशीन ना चलाए तो फिर गैस जो है मशीन से बगैर आता नहीं। तो अभी जो है मैं आटा आटा गूंथ लेती हूँ। बिल्कुल साथ वीडियो जो है कमल बात करनी है और वीडियो मेरी साथ नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों के माशा प्यार की वजह से स्पोर्ट की वजह से जो है नहीं लग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मेहनत से करेंगे और अच्छे अच्छे गुलाब जो है बनाएंगे आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आटा जो है भूनना होता है सुबह के लिए, क्योंकि आप लोग से जानते हैं जैसे कि आप ही जो है वो अपना नाश्ता बनाती है और सुबह मौसम भी आए हुए हैं अभी इधर है और हमारी नानी जान जो है वो चली गई है अपने घर, माशाल्लाह खैर से पहुंच गई है। और सुबह और मौसम उसके बच्चे की भी सिस्टर आप नाश्ता घर बनाती है और मैं जो है अपने बच्चों के और अपने जो है अम्मी अभी के लिए वो नाश्ता बनाती हूँ। चले आते हैं उधर बाहर, चले इधर बहुत शोर है उधर, चले बहुत शोर था अंदर इसलिए मैं जो है आटा बाहर ले आई हूँ। माशाल्लाह आटा जो मैंने गूंथ लिया है और अभी देखती हूँ चाय मेरी कहाँ तक पहुँची है, तो रह रहा है साथ। हाँ जी, ये देखें चाय का जो पानी था वो उबल रहा है, अब इसमें डालना है दूध। ये देखें इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध भी ऐड हो गया और इधर जो है बर्तन मैंने धो के रखे हैं। चाय मेरी जो है वो रेडी हो रही है, जैसे ही रेडी होती है फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। और अभी तक बच्चे लगता है नहीं आए, सुधरा भी नहीं आए, बच्चे भी नहीं आए, वो आ जाएंगे तो फिर चाय भी बन जाएगी। जब तक अम्मी को देखती हूँ अम्मी कहाँ गई है, और पापे भी लेने हैं बच्चों के लिए, और अम्मी को जो है पैसे देती हूँ और वो पापे ले आएगी। मैं जो है अब नाश्ता भी बना दिया है, रोटियाँ और साथ में जो ये रेसिपी थी कल दोपहर को बनाई थी, तो ये जो है थोड़ी सी रखी है, तो इसके साथ जो है नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। और इधर देखें ये मैंने बना ली है रोटी माशाल्लाह। उसके बाद जो है बाहर देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है। माशाल्लाह सुधरा भी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सुधरा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आ गए हो। हाँ जी, हमारा काम ही यही है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और वालेकुम सलाम अब्बू जान, अब्बू जान भी आ गए हैं, और मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना उसके शौहर भी आ गए हैं माशाल्लाह, डॉक्टर सुल्तान के अब्बू। इधर देखें ये सब बच्चे जो हैं ये चाय पापा खा रहे हैं। हाँ जी जवेरिया, क्या हाल है जवेरिया? बीपी
और शाजा बैठ जाओ मिठू, बैठ जाओ। और अमीना भी। हाँ जी मुझे पता है छुट्टी है, इसलिए तो मैं आप लोगों को जगाया नहीं तो सुबह सुबह जगा देती थी मैं, चलो आज का दिन है छुट्टी का रेस्ट कर ले। हाँ जी फरहान आपने नहीं खाया चाय पापा? प्याले खत्म हो गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, बच्चे छोटे खा लें फिर आप खा लेना। हाँ जी देखे अम्मी जान आप भी नाश्ता कर रही हैं? हाँ जी माशाल्लाह नाश्ता करके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो जी? अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी बिल्कुल, आप सुनाएं। हमारी जो सिस्टर कैसी थी? ठीक माशाल्लाह, ठीक थे सब बच्चे? ठीक थे? दुआएं दे रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे बहन भाइयों, ये हमारा जो है भाई है, ये मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसका माशाल्लाह शौहर है, और डॉक्टर सुल्तान को तो आप जानते ही होंगे, माशाल्लाह उसका अबू है। तो अबू जान सुबह सुबह गए थे बस्ती, और उधर मेरे ख्याल में मेहमान आए हुए थे तो उनको साथ ले आए हैं, क्योंकि हमारा घर तो नहीं देखा था। माशाल्लाह घर देखने के लिए आए हैं, ऐसा घर देखने के लिए आए हैं माशाल्लाह। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अल्लाह पाक ने फुर्सत दे दी तो घर भी। हाँ जी हाँ जी, अल्लाह पाक ने ही फुर्सत दी है तो अल्लाह पाक के करम से जो हमने ये घर ले लिया है माशाल्लाह। और सुनाए चाय पानी नाश्ता? नाश्ता चाय का पी के आए हमारे, कोई मुझे ऐसा नहीं है। चलो दूसरा नाश्ता कर लो, वो जो रोटी होती है उसके साथ नाश्ता कर लो। बस नाश्ता होते पक्का पे आया वो कवड़ी जैसा। नहीं गुस्सा करते हैं, उनको पता है ना हमारे घर गए हैं आप, इधर से हम ना खाने पीने के बगैर नहीं जाने देते। हाँ जी चलो ठीक है, थोड़ा देर खा ले। हाँ जी तुम भी खुश हो जाओ। हाँ जी हाँ जी। अबू जान आप सुनाए? ठीक है माशाल्लाह, बस्ती से चक्कर लगा के आ गए माशाल्लाह। आज लस्सी नहीं ले आए? लस्सी हाँ जी, अबू जान जब भी उधर जाते थे तो लस्सी की बोतल ले आते थे, इसलिए मैंने देख रही हूँ कि आज लस्सी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह। इधर देखें अमीना जो है नाश्ता कर रही है। हाँ जी अमीना, और रोटी चाहिए? एक रोटी हो। हाँ जी अमीना बोल रही है कि अभी जो है रोटी खानी है, अभी उसको जो है रोटी और दे देती हूँ। अरिश भाई इधर आओ, ये लो अमीना ये रोटी। ना सुनाओ माशाल्लाह सुभानअल्लाह। दिल किसी को सुनाए आप के होते हुए माशाल्लाह। और इधर देखें अलीजा भी नाश्ता कर रही है, अभी अभी उठी हैं ये दोनों परियां जो हैं, अभी अभी उठी हैं। अलीजा क्या हाल है? ठीक हो? आज चाय पापा नहीं खाया? क्यों? अभी रोटी खा रही है, कहती है चाय पापा नहीं खाना, मैंने जो है रोटी खानी है। ऐसे आप ना सुनाओ, मम्मा को ना सुनाओ बेटा, ना सुनो। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। अलीजा ने भी ना सुना दी। अम्मी जान जी, आज ना एक मैं आपकी बात बता रही हूँ, बता दूँ या ना? बता दो केरी गाले, बता दो। हाँ जी मैं ये बताना चाहती हूँ बहन भाइयों को, कुछ लोग हमने जो है ना अपनी आंखों से देखे हैं और सुने हैं, जो सास और ससुर के लफ्ज को ना अजीब समझते हैं, कहते हैं कि ये सास ससुर ये तो मतलब के उनको जो है ना अच्छा नहीं समझते। इसलिए मैं जो है एक बात बताना चाहती हूँ बहन भाइयों को, क्योंकि
सास ससुर जो होते हैं ये भी एक इंसान ही होते हैं ना। ये कौन सी कोई बला है जो सिर्फ अपनी बहू को भी खाती है और किसी को भी नहीं। तो मेरी जब शादी हुई तो मुझे ना बहुत अजीब लगता था कि मेरा दिल लगेगा नहीं लगेगा। जब मैं इधर आ गई अम्मी पालू के घर तो मुझे इन्होंने इतना प्यार दिया कि मैं अपने अम्मी अबू को भी भूल गई। हाँ जी ऐसा तो प्यार दिया जो अम्मी अम्मी अबू अन परे ऐसा प्यार दिता था कि वो अन परे मुझे नाती वे। हाँ जी मुझे नाती वे मेरी बहू। हाँ जी तो सास जो होती है और ससुर जो होता है उसको चाहे जो भी इंसान हो प्यार देने से जो है ना अगर किसी की कदर करेंगे उसको उनके साथ जो है अच्छा सलूक करेंगे तो वो भी इतनी बुरे भी नहीं होते कि वो जो है वो हमारे साथ फिर भी हमारे साथ जो है ना वो ज्यादती करे ऐसी बात नहीं होती। क्योंकि हम दिल से अपने माँ बाप की तरह माँ बाप समझा है और समझते हैं तो वो भी हमें अपनी बहू नहीं बेटी समझते हैं। अपनी बेटी समझ के तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे ना अम्मी और अबू जो मेरे सास और ससुर थे और मेरी अम्मी मैं अम्मी बोलती हूँ और अबू बोलती हूँ इन्होंने जो है ना मुझे कोई चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होने दी। क्योंकि मेरा शौहर मैंने अपने शौहर से कभी कुछ नहीं मांगा था। क्यों जब मेरे शूज़ टूट जाते थे तो अबू कहता था बेटा आपने आज शूज़ नहीं पहने। मैं बोलती थी अबू जान मेरे शूज़ टूट गए हैं तो उस वक्त चला जाता था और मेरे लिए शूज़ लेके आता था। हालांकि कभी अपनी जो अम्मी के लिए भी कभी लेकर नहीं आए थे और मेरे लिए ले आता था। और जब भी गेट पे आता था बोलता था गुड़िया बेटा कहाँ हो। मैं बोलती अबू जान मैं इधर हूँ आ जाओ मैं आपके लिए शूज़ लेकर आ गया। और पैसे भी देता था ये लो बेटा ये आपको ज़रूरत होंगे कोई चीज़ आप जो है दिल करे खाने को कोई चीज़ लेने तो आप ले लिया करें। मैं बोलती थी अबू जान आप सब कुछ तो दे रहे हैं और पैसे की क्या जरूरत है। कहते हैं आप ना कोई चीज खाने को दिल करे तो आप ले लिया करें। और अम्मी जान ये जहाँ भी जाती थी ना थोड़ी सी भी चीज कोई देता था तो ये ना जेब में डाल लेती थी और घर आके मुझे कहती थी आ जाओ बेटा ये ना मुझे किसी ने चीज दी है तो मेरा दिल भी नहीं किया खाने को इसलिए ना मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए। मेरा दिल ना करता आप इतने के सारे बच्चों को खिला। हाँ किसी के घर भी जाती थी ना उधर भी अगर कोई चीज खिलाने के लिए देते थे ना वो भी अम्मी जेब में डाल लेती थी। कहती थी इधर मेरा दिल नहीं करता मैं घर जाऊंगी और घर बच्चों को खिलाऊंगी। और सबसे पहले मुझे आवाज देती थी आ जाओ बेटा मैंने ना चीज आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर सिटी जाती थी मतलब के शहर उधर से भी कोई चीज लेती थी दिल करता था भी कोई चीज ले लूं और खा लूं इधर। फिर जब ले लेती थी तो फिर खाने का दिल नहीं करता था फिर कहती थी नहीं घर फिर घर ले आती थी उधर कहती थी सब मिल के खाते थे। मैं ना अब मतलब अम्मी जान का बेटा और मेरा शोहर मैं ना उनसे कभी नहीं कहा था कि मुझे शूज़ चाहिए या कपड़े चाहिए या कोई पैसे चाहिए। क्योंकि अम्मी अबू जो है मेरी हर ख्वाहिश मेरी हर ज़रूरतें पूरी कर देते थे। तो खाना भी मैं अक्सर अम्मी के साथ ही खाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कट्ठे रल के बह के खाना ना बड़ी चंगी या लगती है जो बलिया सारे राल मिलते खांदे रहो। हाँ जी खुशी आती है। हाँ जी बहुत अच्छा लगता है। हमने अपने दिल से अपना माँ बाप समझा तो इन्होंने भी हमें बहू नहीं अपनी बेटी समझा है माशाल्लाह। हमें कभी भी कोई चीज़ का जो है तकलीफ नहीं हुई माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। और बहन भाइयों को ये बताना चाहती थी कि ये भी एक इंसान ही होते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को है अपनी आंखों से देखा है कि वो इतनी नफरत करते हैं कि कहते हैं जब भी शादी होती है तो कहते हैं नहीं आपके माँ बाप की हम खाना नहीं बना सकते उनके हम कपड़े नहीं धो सकते ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही होते हैं ना वो कौन से कोई ऐसी कोई भला है जो हमें खा जाएगी। तो जब आप अपने सब काम अपना खाना बना सकते हैं अपने कपड़े धो सकते हैं ढेर लोग असा कले हूं। हाँ जी माँ बाप के साथ न रहूं। हाँ जी माशाल्लाह तो सारी अल्लाह भावे तो हाँ को अल्लाह सी लंबी जिंदगी दे अल्लाह भावे खैर निके बच्चियां दे या ते तुसी कदी नहीं सकू। हाँ जी तू इतनी बड़ा। हाँ जी अम्मी जान जब तक हमारी स्वास्थ्य चल रही है ना जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों का ख्याल रख करेंगे माशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी। तो बच्चों का भी खाना वो बनाते हैं अपने कपड़े धोते हैं अपना बनाते हैं बस एक सास ससुर के बनाने के लिए वो इतना जो है मेहनत करते हैं।
चलो कोई बात नहीं, हमारा आमी जान व्लॉग भी मुकम्मल हो गया है, आप चाहते हैं इजाजत, आपने फोतकी पे भी जाना है ना? हां जी, फोतकी पे भी जाना है। मैं भी साथ चलूंगी क्योंकि इंसान अगर इतनी खाला इतनी अच्छी थी माशाल्लाह, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ उनका जो है साल मुंह नाल गुजार रही हूँ, बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी मई, तो उसके मुँह देखाऊंगी। अगर इंसान जाए वो मुँह ना देखे तो फिर तो कोई बात नहीं ना जाने की। हाँ जी, तो इजाजत चाहते हैं रहना, हमारा व्लॉग जो है वो मुकम्मल हो चुका है, तो अभी जाते हैं इजाजत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।